हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। सो आज हम बनाने वाले हैं एक ट्री, बनाने तो नहीं वाले हैं, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं पेंसिल कलर से। तो ये बहुत ही इजी होने वाला है बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले आप अपना मास्किंग टेप निकाल लीजिए। मैं अपना सस्ता सा मास्किंग टेप निकाल चुका हूँ। ऐसे तो ये सस्ता नहीं है, महंगा आता है थोड़ा सा। इसको आप खरीद सकते हैं कोई भी स्टेशनरी स्टोर से, मेडिकल स्टोर्स में भी मिल जाता है कभी कभी। तो इसको आप दोनों साइड चिपका दें, मैं ज़्यादा नहीं चिपकाऊँ क्योंकि ये अगर ऑयल पेंटिंग या कोई वाटर पेंटिंग होती तो मैं पूरे साइड में चिपकाता। तो चलिए मैं इसको चिपका देता हूँ, मैं दूसरी तरफ भी चिपका देता हूँ। एक्चुअली इसकी वो सिरा जो होता है वो मिल नहीं रहा था एक्चुअली मुझे, तो अभी मैं चिपका चुका हूँ इसको। आप देख सकते हो मैं अभी अच्छे से चिपका चुका हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है अपने पेंसिल से। मैं नॉर्मल अप्सरा का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये पेंसिल बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, आप देख सकते हैं मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके ऊपर आपको एक रेक्टेंगल सा कुछ बनाना है। रेक्टेंगल सा बनाने के बाद आप देख सकते हैं मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल सा, और इसमें आपको साइड से एक और रेक्टेंगल सा आप बना सकते हैं। उसको आप साइड में एक ब्रांच के जैसे आप उसको लगाएंगे, और उसको आप साइड से और उसको ऊपर में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ट्री का वो ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा डिवाइडेड रहता है। उसको आप अभी शार्प शार्प शेप बना सकते हैं, बाद में हम उसको स्मूथ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बना रहा हूँ, और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास अभी उतना कुछ खास माइक है नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी आपको क्या करना है, आपको इसके जो लीव्स हैं, ग्रीनरी है, वो सब बनाना है। देखिए मैं कैसे राउंड राउंड से बना रहा हूँ उसको, आपको सर्कुलर एक मैनर में, आपको इसको सर्कुलर मैनर में इसे बनाते रहना है। देखिए आप बना सकते हैं, मैं इसको अभी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। इसको मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करने का मैंने इसको वर्क कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर थोड़ा टेक्सचर्स दिखाना है। पहले तो आपको इसको ट्री के जो ट्रंक है उसको स्मूथ कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको इसको टेक्सचराइज करना है। अभी उसका जो रूट्स है, रूट्स टाइप का कुछ भी आपको थोड़ा हाइड्रेट रहता है, वो हाइट रहता है उसका, इसलिए आपको उसको कुछ कुछ बना देना है ताकि थोड़ा सा बच्चों जैसा फील ना आए। तो ये इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बच्चों का यही काम है, बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। इवन 2-3 स्टैंडर्ड के लोग बच्चे भी कर सकते हैं। अभी आपको इसको देख सकते हैं मैंने ट्रंक पे इसको टेक्सचर कर दिया था, आप देख सकते हैं मैंने टेक्सचर दिया है इसको, आप टेक्सचर जैसा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैंने बीच में एक होल सा कर लिया, कि बहुत सारे ट्रीज में ऐसा होता है, आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बाद में जब आप करेंगे जब आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। अभी आपको करना ये है, देखो मैंने कर लिया है। आपको क्या करना है, अभी इसको कोई मैं अब अभी अपना जो पेंसिल कलर ले आता हूँ। सो मैं अभी अपना पेंसिल कलर ला चुका हूँ। अरे यार एक गिर गया, सॉरी, अब मैं उसको बाद में उठा लूँगा। अभी आपको क्या करना है, आपको लेना है ग्रीन कलर लेना है। उससे पहले आप क्या करें, इरेजर से अपना जो होता है ये आउटलाइन को थोड़ा लाइट कर लें, क्योंकि लाइट करने से आपको फ़ायदा ही होगा, या आपको ब्लैक लाइन्स बाद में नहीं लगेगा। तो मैं इसको अभी पहले मिटा लेता हूँ थोड़ा, पूरी तरह से नहीं मिटाना है, पूरी तरह से मिटा देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा बाद में। तो आपको थोड़ा थोड़ा मिटा देना है, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा दिखे, बट पूरा नहीं मिटाना है। जैसे देख सकते हैं मैं मिटा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ हद तक सब मिटा ही लिया है, बट मुझे कुछ कुछ अभी भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अभी भी उसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। सो अभी आपको क्या करना है, आपको अब अपने डस्ट जो है उसको निकाल लेना पहली बात। उसके बाद आपको लेना ब्राउन कलर लेना है। हम ट्री के जो ग्रीनरी है, लीव्स, उनको बाद में करेंगे कलर।
आपको पहले ये ब्राउन कलर लेना है, और आउटलाइंस जो है उनको डार्क कर लेना है, और टेक्सचर्स को भी पहले उन लोगों को करेंगे, बाद में सब दूसरों को करेंगे। और गाइज अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भोंपू सा साउंड सुनाई दे रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा जो घर है वो ट्रेन लाइन के पास है, तो आपको ट्रेन का भी साउंड सुनाई दे सकता है, इसलिए उसके लिए सॉरी। बाद में अच्छा मैं खरीदने का कोशिश करूँगा, अभी के लिए तो सॉरी। मैंने इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था, आप देख सकते हैं मैंने जो ट्रंक का वो आउटलाइन है उसको भी मैंने कर लिया है, ट्रेस कर लिया है अपने ब्राउन कलर के कलर पेंसिल से। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ब्लैक कलर का लेना है, और उसको आपको ब्लैक कलर का लेने के बाद उसको आपको कर लेना है होल को। अब आपको क्या करना है, एक ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का लेना है कलर पेंसिल, और डार्क ग्रीन कलर के कलर पेंसिल से आपको करना ये है कि आपको उससे अपने जो आपने बनाया था ट्री के लीव्स के लिए जो बनाया था आपने आउटलाइन, उसके ऊपर आपको उसको वही सर्कुलर मैनर में कर देना है आउटलाइन, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल बोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आर्ट का वीडियोस बहुत बोरिंग होता है, बहुत टाइम लगाते हैं वो लोग। तो भाई लोग देखो, मुझे इसको बनाने में पूरा आधा घंटा लग गया, तो आपको मैं शॉर्ट में 10-12 मिनट के अंदर दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड कर करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आता है। अगर मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ तो आपको ना समझ में नहीं आएगा। मैं जब अपने पुराने वीडियोस था उसको पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर देता था, इसलिए लोगों को उतना समझ में नहीं आता था। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, मैं आज से सारी जो वीडियोस आएंगी वो सारी वीडियोस में वॉइस डालूँगा, वॉइस ओवर करने की कोशिश करूँगा, और जल्द ही मैं एक अच्छा माइक लेने की भी सोचूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया है आउटलाइन को। अब आपको क्या करना है, लाइट ग्रीन कलर लेना है, और मैं जैसे कर रहा हूँ इसको आपको साइड साइड से थोड़ा थोड़ा ग्रीन करते जाना है, थोड़ा डार्क डार्क ग्रीन करना है इसको। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, आपको जो कॉर्नर्स है और जो आउटलाइन है उसके पास पास थोड़ा सा डार्क करके करना है, और जब मिडिल के बात आए ना, मिडिल में थोड़ा थोड़ा सा लाइट कर देना है, क्योंकि जब आप मिडिल में लाइट कर देंगे ना तो अलग सा एक ग्रेडियंट सा लुक आता है, तो वो बहुत ही आर्टिस्टिक और रियलिस्टिक लगता है। वैसे तो ये कोई रियलिस्टिक पेंटिंग है नहीं, अगर ये रियलिस्टिक होती तो मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करता, बट अभी के लिए यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी ये करने के लिए। मेरे पास, मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, ये मेरा एक ऐसे ही मेरे शौक में से एक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ यूट्यूब को। आप देख सकते हैं मैंने बीच के जगह को उतना डार्क नहीं किया, लाइट छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूँ, आप भी वैसे कर दीजिएगा, बहुत ही ईजी होने वाला है ये आपके लिए भी। तो गाइज़ मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है, आपको अभी डार्क कलर पेंसिल लेना है ग्रीन का, और आपको और थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक देने के लिए आउटलाइंस के बाद आउटलाइंस के पास पास भी इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा, और मैंने आपने अब जो एक साउंड सुना वो मेरे फ़ोन का था, सो उसको भी इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और वैसे तो मैं उतना साउंड नहीं देता, बट आज पता नहीं क्यों दे दिया। तो गाइस मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आप देख सकते हैं ये भी करना बहुत इजी था, इसको करना आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी होगा आपके लिए भी। अब आपको क्या करना है, येलो कलर लेना है, और आपको इसके साइड साइड में थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक देने के लिए आपको कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ही इजी है, आप इजीली कर सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूँ, बहुत ही इजी होना है आपके लिए भी, तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। और अब मैं कर चुका हूँ इसको, आप देख सकते हैं, और अभी जो आप देख सकते हैं मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूँ, आप कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है अभी, आपको अपने ट्रंक के ऊपर फोकस करना है।
आपको लेना है थोड़ा सा ब्लैक कलर का पेंसिल, जो कलर पेंसिल होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा वो जो होता है हमारा उसको कम शार्प रखना है, ज़्यादा शार्प नहीं करना है आपको। और उसके बाद आपको करना यह है उसको आपको अपने जो अपने टेक्सचर्स दिया था उसके साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा लुक देना है, थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक देना है उसको। जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही कर दीजिएगा, बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए भी। मेरे लिए तो बहुत ईजी था, बहुत बच्चों वाला ड्राइंग है एक्चुअली, आप देख सकते हैं। और बहुत ईजी था, अभी भी मैं बोलूँगा बहुत ईजी है। और अभी आपको थोड़ा सा शार्प करने के बाद उसको साइड से थोड़ा सा छील देना है। और जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आपको थोड़ा थोड़ा था थोड़ा थोड़ा सा उसको साइड साइड से उसको लुक देना है, ग्रेडियंट था डार्क टू लाइट वाला फील देना है आपको ट्रंक पे ब्राउन वाले कलर पेंसिल से। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको कम शार्प रख के थोड़ा सा ब्लंट करके भी कर सकते हैं, बट मैंने उसको साइड से थोड़ा सा काट दिया उस पेंसिल को, ताकि मैं उसको साइड से अच्छे से शेड कर सकूं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी सॉइल करने वाले हैं, तो सॉइल को करने के लिए आपको ब्लैक कलर का पेंसिल लेना है और उसको नीचे से ऐसे घिसाड़ना है, सीधा सीधा लाइन खींचना है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे, और ब्राउन का भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल बोर करना नहीं चाहता, इसलिए आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कीजिए। आपका जो होगा ड्राइंग वो बहुत ही मस्त दिखेगा। अब आपको करना है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ग्रास बना देना है, ताकि कुछ रियलिस्टिक सा फील आए। तो आपको डार्क ग्रीन कलर लेना है और लाइट ग्रीन कलर से के उसको आपको थोड़ा थोड़ा सा घास बना देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप अभी इसके साथ कुछ फूल भी बना सकते हैं, फूल जैसे मैं एक दो ठो बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं बना लूँगा कुछ एक दो ठो, आप देख सकते हैं मैं बनाऊँगा अभी कुछ। और यहाँ पे मैंने कुछ फूल बनाने के लिए कुछ पत्ते भी छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इधर थोड़ा सा घास बना देना है। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है करना, बट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको वॉइस ओवर दिया था कि आप बोर ना हो जाओ वही बोरिंग सा म्यूज़िक सुन सुन के जो आप मेरे हर वीडियो में सुनते हो। तो मैं बोलूँगा नहीं, आप इस वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को शेयर करो। मैं बोलूँगा आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया आपने, तो इसलिए इसमें मुझे बहुत खुशी मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा पेंटिंग इतने में ख़त्म होने जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बोलेगी कि भैया थंबनेल में तो कुछ अलग ही दिख रहा था, देखने से कुछ अलग हो रहा है, तो मैं बोल दूँ मेरा कैमरा जो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा ये पेंटिंग उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट अगर आप असली में बनाएंगे सच में अच्छा लगेगा। बस इतना ही कहना था मुझे, और कुछ कहना नहीं है मुझे, इसलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।